हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये मैंने ले लिया एक बाउल, उसमें पुलाव को हम सर्व कर लेंगे। और अगर आप कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए, घर पे आके घर वालों के लिए खाना बनाना है और आपका मन नहीं है, तो आप ये पुलाव बना सकते हैं बहुत ही जल्दी, फटाफट 15 से 20 मिनट में ये बन जाता है और घर वालों को सभी को पसंद आएगा, इतना स्वादिष्ट पुलाव होता है। तो एक बार इस तरीके से आप पुलाव बना के ज़रूर देखिए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तो चलिए, इसे मैंने गैस ऑन कर दिया, गैस पे कढ़ाई रख लिया है, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे ऑयल। तो ये तेल हमारा गर्म हो गया, मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाला था और इसमें हम डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटा तेज़पत्ता, 3 से 4 काली मिर्च और लौंग, इसे भून लेंगे। ये मैंने खड़े मसाले को भून लिया है, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा और गैस को हम मीडियम रखेंगे तो इसे मैं भून लूँगी। ये मैंने लिया है लहसुन 8 से 10 कली, हमें कट नहीं करना, ऐसे ही डालना है। ये मैंने लहसुन को अच्छे से भून लिया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे साइज़ का प्याज, मैंने बारीक कट कर लिया है, 6 से 7 कड़ी पत्ता और 2 से 3 हरी मिर्च मैंने बारीक कट करके डाल लिया है। तो इसे हम हल्का सा ब्राउन होने तक पका लें। तो ये मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया, हल्का ब्राउन हो गया हमारा प्याज। और इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम वेजिटेबल। वेजिटेबल में मैंने लिया है आलू, फ्लावर, बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे। ये मैंने सब्जी को 1 मिनट तक भून लिया है। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, जैसा खाना पसंद हो। और नमक मैं पहले डाल रही हूँ, इससे क्या होगा, सब्जी हमारा जल्दी पक जाएगा, चाहिए तो आप लास्ट में डाल सकते हैं। मैंने 1 से 2 मिनट और पका लिया है सब्जी को चलाते हुए। और इसमें हम डालेंगे 1 शिमला मिर्च, मैंने बड़े टुकड़ों में कट किया, इसे भी भून लेंगे हम। ये मैंने शिमला मिर्च को भी थोड़ा पका लिया है। इसमें हम डालेंगे 3 टमाटर, मैंने बारीक कट किया है, और अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे वेजिटेबल में, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और गैस को हम थोड़ा सा हाई कर देंगे और अभी इसे हम ढक के 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। ढक्कन हटा के देख लेंगे, इसे पकते हुए 2 मिनट हो गया है। और एक बार हम अच्छे से वेजिटेबल को मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। आप अपने हिसाब से वेजिटेबल कम ज़्यादा या जो पसंद हो आप डाल सकते हैं। और अभी इसमें हम डालेंगे मसाले, गैस को मीडियम रखना है। मैं डाल रही हूँ चिकन मसाला 1 से 1.5 टेबल स्पून और मिर्ची पाउडर 1 से 1.5 टेबल स्पून, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर। और मैं कोई मसाले नहीं डालूंगी, बस यही मसाले में मैं पुलाव बना के दिखा रही हूँ आपको, और बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बनता है। तो एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मसालों को अच्छे से पका लिया है, वेजिटेबल में अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 500 ग्राम बासमती चावल, मैंने 15 मिनट के लिए इसे भिगो दिया था। हम चावल को वेजिटेबल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना, मिला लेना है हमें। चावल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। इसमें हम डालेंगे पानी, 3 कप पानी, आप अपने हिसाब से चावल में जैसा लगे कम ज़्यादा डाल सकते हैं। एक बार आप इस तरीके से पुलाव ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसे हम ढक के वेजिटेबल और चावल के अच्छे से पक जाने तक पका लेंगे। तो अभी हम ढक्कन हटा के देख लेंगे, पुलाव को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गया है। तो ये अच्छे से पुलाव हमारा पक गया है और इसका पानी जो है एकदम सूख गया है। तो इसे मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और गैस को ऑफ कर दूँगी। तो ये पुलाव हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है। तो देखिए कितना अच्छा पुलाव बना है और एकदम खिला खिला बना है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में।